अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिट्टो क्या है, यानी हमें अपने कॉन्वर्सेशन में कब बोलना चाहिए डिट्टो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि वर्ड डिट्टो का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा ही या ठीक इसी तरह से। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, और अगर आपको कहना हो कि ठीक उसी तरीके से मुझे भी कॉफी पसंद है, तो यहाँ पर आप कहेंगे डिट्टो आई ऑल्सो लाइक कॉफी। अगर किसी ने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती है, यानी आई डोंट नो इंग्लिश, और अगर आपको कहना हो कि बिल्कुल उसी तरीके से मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, डिट्टो आई ऑल्सो डोंट नो इंग्लिश, यानी ठीक उसी तरीके से मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है। अगर किसी ने कहा मुझे शिमला पसंद है, यानी आई लाइक शिमला, और अगर आपको कहना हो ठीक उसी तरीके से मुझे भी शिमला पसंद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डिट्टो आई ऑल्सो लाइक शिमला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वह डिट्टो का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो ठीक उसी तरीके से या बिल्कुल उसी तरह से, तो आप कहेंगे डिट्टो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार हम अपने कॉन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ हम कहते हैं यह काम तो करता है ना। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई चार्जर है, तो आप उसको देख कर कह रहे हैं ये काम तो करता है ना, या ये सही तो है ना, तुम सच तो बोल रहे हो ना, या ऐसा हुआ था ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स, और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैंने बताया कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहाँ आप कहते हैं तुम्हें पता है ना, तुम ऐसा करते हो ना, तुमने उसे देखा है ना, ये काम तो करता है ना, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना। अगर आप इस लेसन को शानदार तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो को आई के सिंबल में रखा है ताकि आप इस वीडियो को आसानी से देख सकें। फिलहाल मैं यहाँ पर दो चार सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। अगर आप किसी सामान को देखकर कह रहे हैं ये काम तो करता है ना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज वर्किंग इजंट इट, यानी ये काम तो करता है ना, तुम ये काम कर सकते हो ना, यू कैन डू दिस वर्क कांट यू। यहाँ पर मैं कहूँगा अगर आप इस लेसन के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को देखें, वहाँ मैंने हर छोटी बड़ी पॉइंट्स को बताया है।